Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. This is Saad Hashim and this is उस्मान भट्टी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज एक हम लोग आपकी फेवरेट वीडियो कह सकते हैं उसके ऊपर रिएक्शन लेके आए हैं। वीडियो का नाम जानते ही आपको पता लग जाएगा कि वो आप लोगों की फेवरेट वीडियो है। तो एक ऐसे शख्स के ऊपर वीडियो है जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूरी दुनिया में माना जाता है ऐसा एक ग्रेट एंड एज अ एक लेजेंडरी क्रिकेटर। क्रिकेटर कहने से आप समझ गए होंगे एम एस धोनी की बात हो रही है। तो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, वो रिटायर्ड हो चुके हैं इंडियन क्रिकेट से। तो अब जो है ICC ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है इस वीडियो में। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या ट्रिब्यूट पेश किया गया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में और तब तक हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो होप सो यू विल बी रेडी एक्साइटेड एंड 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। One of the best wicket keeper. MS Dhoni. T20 World Cup. World Cup. Champions Trophy. Three big titles. Asia Cup. His 15 runs are needed to off the last 6 ball. Big shot leg side. 6 out. Bishop. That is brilliantly done. India win the Champions Trophy as England capitulate. The winners of the Champions Trophy 2013, India. Kapil Dev. Got him. Look at that catch. Super catch. That's huge. Outside edge. Good catch by MS Dhoni. Great shot. That's a fierce square cut. It's gone to the boundary like a tracer bullet. Style. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. ओके, एक बिल्कुल शॉर्ट से वीडियो थी, 3.75 मिनट की वीडियो थी, लेकिन इसके अंदर उन्होंने एम एस धोनी के कैप्टेंसी के कुछ ऐसे पल दिखाए जो कि उन्होंने अपना नाम जिसमें उन्होंने बनाया। एक ऐसा क्रिकेटर जिसको इंडियन क्रिकेट टीम में आने के लिए, हमने मूवी देखी है एम एस धोनी, देखिए उसके अंदर सारा बताया कि एक ऐसा शख्स जिसको
क्रिकेट टीम के अंदर आने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन जब वो टीम के अंदर आ गए छा गए, वर्ल्ड्स बेस्ट कैप्टन एवर, हर कोई मानता है, हम भी मानते हैं कि धोनी जैसा कैप्टन ना तो अब तक आया है और ना ही जल्द आएगा। ऐसा लेजेंडरी क्रिकेटर और ऐसा लेजेंडरी कैप्टन जिसने विकेट्स के पीछे खड़े होके एज अ कीपर एक बहुत ही कमाल का दिखाया, कारनामे दिखाए यार, ऐसे ऐसे कीपिंग में तरीके याद किए जो कि किसी कीपर ने आज तक नहीं किए थे। वो ऐसे पकड़ते थे शॉट और ये पीछे था डाल सीधा विकेट्स में ये विकेट कीपर, और ऐसे ऐसे कैचेस लिए हैं जो कि हम सोच के हैरान होते हैं। और इनको मुश्किल हालात में क्रीज पे देखा, मैच एंडर और मैच फिनिशर जीत के दिखाया, मैच विनर, विनर कुछ भी कह दें, बेस्ट पर्सन। मैं वाकई एम एस धोनी के एज अ क्रिकेटर हर दुनिया का मुल्क जो कि क्रिकेट लविंग नेशन है, ठीक है, खा वो कोई भी कंट्री है, अगर वो क्रिकेट लविंग नेशन है वो वाकई एम एस धोनी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और प्यार करते हैं। सीधी सी बात है यार, इतना कमाल का क्रिकेटर। सबसे पहले इन्होंने मेरे ख्याल से, ये मुझे कन्फ्यूजन है, ये आप मुझे बता दीजिएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तो एक जीती, एक टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जीता और एक वर्ल्ड कप 2011 में जीता, जो इन्होंने आप जीते वो सॉरी क्या होता है एशिया कप, एशिया कप जो है वो बता देना यार कमेंट्स में कि एम एस धोनी की कैप्टनसी में कितने एशिया कप जीते। मुझे दो आई थिंक सो दो याद हैं, तो अगर मैं रॉन्ग हूँ तो करेक्ट कर देना मुझे, ठीक है। और इनके बेस्ट शॉट मुझे जो लगती है हेलीकॉप्टर शॉट, जो नीचे से उठा के वो छक्का स्टेडियम में थोड़ा यार इनकी बैटिंग ओपनिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल है यार, और अभी तक माशाल्लाह इनकी बैटिंग जो है वो कमाल ही आती आ रही है। हमारी में भी कह सकते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन बैटिंग में कंपैरिजन इंडिया के साथ कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि उनका डोमेस्टिक लेवल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी स्ट्रॉन्ग है, और हमें वाकई ज़रूरत है काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब से PSL स्टार्ट हुआ है तब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। लेकिन MS धोनी का मुकाबला अभी तक कोई क्रिकेटर नहीं कर सकता एज अ कैप्टन। मुझे बहुत अच्छी लगी वीडियो, इसको थोड़ा और लंबा होना चाहिए था, ज़रा अच्छे तरीके से ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ना एज अ बॉल सॉरी एज अ बैट्समैन भी एक वीडियो बनाई है, एज अ विकेट कीपर भी बनाई है। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि हम एज अ बैट्समैन और एज अ विकेट कीपर के ऊपर रिएक्शन दें या ना दें, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, हम लोग आपसे ज़्यादा चाहेंगे, और हमारे भाई बड़े चुप रहे हैं आज, पिछली वीडियो में बड़े बोल रहे थे, क्या यार आप बोलने नहीं देते, बोले बोले सर आ जाते हैं तो फिर बस स्टार्ट हो जाए, फिर आपको चुप कराना बहुत मुश्किल होता है। नहीं नहीं बोले बोले सर, नहीं नहीं आप, मैंने जो बताया था वो बता दिया, अब जो जहन में था वही बता दिया, अब मैं क्या बताऊं। चलें इन MS धोनी के हवाले से यार, जितना भी ना तारीफ करें वो बहुत कम है, बहुत ही नाइस क्रिकेटर थे। मैंने हमेशा ही इनको ना क्रीज पे देखा है, जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है मोस्टली टाइम ये हुआ कि अब इंडिया जो है वो हारने वाला है, लेकिन ये बंदा जो है क्रीज पे मौजूद है और स्ट्रगल कर रहा है और जिता दिया, और जिता दिया मोस्टली टाइम जिता दिया, लेकिन बाज़कात कुछ होते हैं लम्हात वो कभी कभार चलता है, हार जीत मैच का हिस्सा होती है, ठीक है। बहरहाल मज़ा आता है पाकिस्तान इंडिया के मैच का। चलें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि हम लोग इसके ऊपर वो करें या ना करें जो दूसरे दो हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी हमारी है तो आपको पता है क्या करना है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करते रहा करें, अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।